प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आज युवा वर्ग अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकारी नौकरी पाने के लिए एक के बाद एक परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक मानसिक तनाव के चलते बहुत से प्रतिभागी प्रतियोगिताओं की परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। साक्षी जिला हमीरपुर में भी युवाओं को अपने भविष्य की चिंताएं सता रही है और परीक्षा की तैयारी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वहीं कई सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे युवाओं से बात की गई, जिन्होंने कहा कि एक साथ कई प्रतियोगिताओं की तैयारियों में बह जुटे हैं, ऐसे में तनाव होना स्वाभाविक है। कई बार एक ही समय में 3 से 4 सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं आ जाती हैं, ऐसे में यही दुविधा रहती है कि किस परीक्षा की तैयारी की जाए और किसका फॉर्म भरा जाए। छात्रों ने वो कहा कि परीक्षा में चुनौतियां अधिक हैं, जिनसे निपटने के लिए वे पूरी तरह से तैयारी में लगे हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ बैंकिंग की वह तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी परीक्षाओं को केवल मात्र पास करना ही काफी नहीं है, क्योंकि अधिक परसेंटेज आने पर ही वह उस नौकरी के लिए पात्र हो सकेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में कुछ ही नंबरों से पीछे रह जाने का दर्द भी कई छात्रों के चेहरे पर साफ झलकता दिखाई पड़ा। उनका कहना है कि परीक्षाओं के दौरान परिवार और संबंधियों के दबाव के चलते मानसिक तौर पर परेशानी हर वक्त बनी रहती है, जिस कारण कुछ पॉइंट नंबरों से वह परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वह पूरे जोश के साथ नई उम्मीद लिए चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और परीक्षा पास करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि चाहे कितने भी प्रतिशत नंबर परीक्षा में ले लें, लेकिन फिर भी परिजन खुश नहीं होते, इसीलिए तनाव के चलते परीक्षाओं की तैयारियों में लगे रहते हैं। तो है थोड़ा सा, क्योंकि समाज भी देखते हैं, फिर अगर हम बोर्ड में ज्यादा मार्क्स ना ला पाए, टीचर्स भी कहते हैं कि मतलब इतना पढ़ाया उसके बाद भी मतलब आप मार्क्स ना ला पाए, हम भी इतना पढ़ते हैं उसके बाद भी अगर नहीं ला पाए तो ये तो फिर शर्म की बात होगी। मुझे तो इस वक्त फिजिक्स को लेकर बहुत समस्या है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते हैं, पर कोशिश कर रहे हैं कि करें, क्योंकि हर बच्चे को पता है कि उसके पेरेंट्स उसकी पढ़ाई में कितना एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं और बहुत से स्ट्रेस उठाते हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उनको कुछ दे, अच्छे से मार्क्स लाए। और बाकी सोसाइटी को तो सबको ही पता है कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो फिर वो सब तो बोलते ही है। आजकल सब मैक्सिमम सबको ही ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। जैसे मेरे घर वाले को ही देख लीजिए, मतलब जैसे कम नंबर ही लें तो सेटिस्फाई नहीं होते, जैसे अगर बच्चा 90 अब ले तभी खुश होते हैं, ऐसे जैसे अगर 85% भी ले ले तभी घर वाले सोचते हैं कि ये कम ही नंबर है, मतलब जैसे और